जनपद को जल भराव से मुक्त कराने के लिए जियोनो कंपनी द्वारा किए गए सर्वे का प्रस्तुतीकरण आयुक्त सभागार में किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी केविजन पांडियन, जीडीएवीसी अनुज सिंह, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मौजूद रहे। जनपद को जल भराव से मुक्त कराने के लिए जियोनो कंपनी द्वारा किए गए सर्वे का प्रस्तुतीकरण को मंडलायुक्त सहित संबंधित अधिकारियों ने देखा, जिस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जनपद को जल भराव मुक्त कराने के लिए चरणवार कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन परियोजना के साथ साथ अल्पकालीन योजना बनाकर जल भराव वाले क्षेत्र को तत्काल निदान दिलाने के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जल भराव की ज़्यादा समस्या रहती है उसकी प्राथमिकता के साथ चयन कर वहां पर जल जमाव की मुक्ति के लिए योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जनपद के नालों पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया जाए। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों के समय विभिन्न एजेंसियों द्वारा DPR बनाते समय नाले के अलाइनमेंट आदि का भी ध्यान रखकर DPR तैयार किया जाए। सर इसमें एक ब्रीफ बैकग्राउंड सर जियोनो की ओर से दी जाएगी सर, और उसके बाद सर टेक्निकल सर थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे सर। इसके पहले सर कुछ नए सदस्य सर हमारे बीच में, सर मैं चाहूँगा सर सब लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन सर दे दें सर। ब्रीफ ही तो प्रोफेसर गोविंद पांडे और प्रोफेसर चौधरी, दो नाम उन्होंने बताए थे। आप प्रोफेसर गोविंद पांडे, हाँ से जुड़े हैं और जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा देंगे। और सर जितने भी संबंधित विभाग है सभी के सब ब्रीफ कर दीजिएगा, देख चुके हैं और इन लोगों ने भी देखा है। कितने 10 मिनट हो जाए थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा। नहीं on behalf of GDA and as well as this is we are thinking land. So sir, I fully agree, but then it's okay. When we are going for multilateral funding also, so if they wanted to fund, so all these things will form the basics of these projects. Proposed with all the stakeholders, and we have brought a integrated DPR. So that is to improve the basic urban hygiene for better health of all the stakeholders, especially common people. And to improve the aesthetic values by avoiding flood damages and also water inundation problems.